NO5, another mid-segment phone. AMOLED display, new design, quad camera setup, Whoop 4.0 charging and more. दोस्तों आज मैं Oppo Reno 5 का hands-on review बताने वाला हूँ, जो जल्दी ही इंडिया में लॉन्च हो सकता है। मेरा नाम मिलन है और आप देख रहे हैं Tech Street। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अपडेट सबसे पहले देखने के लिए और अगला giveaway देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को दबाकर ऑल कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट awesome tech अपडेट नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो सबसे पहले Oppo Reno 5 की डिजाइन और बिल्ड की बात करते हैं। फोन का बैक देखे तो ग्लोसी सा दिया है और फ्लूइड ब्लैक कलर में है, जो काफी अट्रैक्टिव लगता है। बैक में बड़ा सा कैमरा मॉड्यूल देखने को मिल जाता है, जहां पे 4 कैमरा प्लेस किए गए हैं। बॉटम में Oppo की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है और बैक कव देखने को मिल जाता है, यानी इन हैंड फील काफी अच्छी मिल जाएगी। फोन का बैक प्लास्टिक का बना है और फ्रेम भी प्लास्टिक की दी गई है, यानी मटेरियल में यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। फोन वेट में इस सेगमेंट के दूसरे फोन से हल्का है और स्लिम भी है, हालांकि Mi 11 Lite जितना हल्का भी नहीं है। दोस्तों आपने Mi 11 Lite का हैंड्सन रिव्यू नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर कार्ड में मिल जाएगी, जरूर से देख ले। वो सबसे स्लिमेस्ट फोन है इस सेगमेंट। 5 के फ्रंट की बात करें तो फोन पंच होल वाली डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जहाँ पे साइड बेजल्स कम दी गई है, लेकिन चीन बहुत ही बड़ी देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले में स्क्रीन टू बॉडी रेशियो अच्छा मिलता है, ज़्यादा मिल जाता है, लेकिन पंच होल भी मुझे थोड़ा बड़ा लगा। फोन में प्लेसमेंट सभी फ़ोन की तरह ही मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पे ट्रिपल स्लॉट ट्रे देखने को मिल जाती है, यानी 2 सिम कार्ड और 1 माइक्रो एसडी कार्ड का स्लॉट मिल जाएगा, जो बहुत ही अच्छी बात कह सकते हैं। वैसे फोन को सिंगल हैंड से ऑपरेट करने में भी काफ़ी आसानी होगी। फोन का फ्रंट ग्लास से प्रोटेक्टेड है, लेकिन कौन सा ग्लास यूज़ किया गया है वो स्पेसिफाई नहीं किया है। वैसे फ़ोन की ओवरऑल डिज़ाइन काफ़ी अच्छी दी गई है और बिल्ट में भी एवरेज कह सकते हैं। फोन में सिक्योरिटी की बात करें तो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है, जो कंपनी ने वर्जन 3.0 का यूज़ किया है, में फैशन लॉक का फीचर भी मिल जाता है। Oppo Reno 5 में डिस्प्ले की बात करें तो 6.43 इंच की एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है और रिजोल्यूशन फुल HD प्लस दिया है। डिस्प्ले काफ़ी अच्छी है और कलर और कॉन्ट्रास्ट लेवल भी काफ़ी अच्छा है और ब्राइटनेस लेवल में भी अच्छी, करीब ऑटो ब्राइटनेस लेवल 800 nits तक जाती है। बस यहाँ पे फास्ट रिफ्रेश रेट की कमी है, एटलीस्ट इस बजट के अंदर 90Hz की रिफ्रेश रेट मिलनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे रेगुलर 60Hz की ही मिलती है। क्योंकि अगर Redmi Note 10 Pro की बात करें, जो इससे कम प्राइस में मिलता है, उसमें भी 120Hz की रिफ्रेश रेट मिल जाती है, जो इस सेगमेंट का किंग है अभी इंडिया में। वैसे डिस्प्ले अच्छी है, मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस भी अच्छा मिलेगा, मूवीज या सीरीज टीवी शो में अच्छा परफॉर्म देगी। Oppo Reno 5 में परफॉर्मेंस की बात करें तो MediaTek Helio P95 Octa-Core चिपसेट लगी है, जो एक मिड सेगमेंट चिपसेट है और 12nm प्लेटफॉर्म पर बनी है, लेकिन ये मेरे हिसाब से पुरानी चिपसेट है। हालांकि परफॉर्मेंस अच्छा मिल जाता है इसमें, गेमिंग में भी अच्छा परफॉर्मेंस मिल जाएगा। हैंड गेमिंग जैसे कि पबजी और कॉल ऑफ ड्यूटी जैसी गेम मीडियम सेटिंग पे आसानी से खेल पाओगे विदाउट एनी लैग। फोन में 128GB की स्टोरेज मिल जाती है और 8GB की रैम मिल जाती है, यानी मल्टी टास्किंग आसानी से कर पाओगे। ओवरऑल फोन में परफॉर्मेंस मामले में दासू है। Oppo Reno 5 ऐप में कैमरे की बात करें तो रियर फेसिंग क्वाड कैमरा सेटअप मिल जाता है, जहां पे 48+8+2+2 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप मिल जाएगा और कैमरा यहां पे एवरेज मिल जाता है। आप यहां पे सैंपल्स फोटो देख सकते हैं। फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया है, रियर फेसिंग कैमरा से 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, फ्रंट से यहाँ फुल HD वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। और फोन में कैमरा एवरेज मिल जाएगा, लो लाइट में रिजल्ट अच्छा नहीं मिलता है इसमें। Oppo Reno 5 में OS की बात करें तो कलर OS 11.1 पे चलता है, जो बना है एंड्रॉयड 11 के ऊपर, जो काफ़ी ऑप्टिमाइज है और कई सारे फीचर्स के साथ आता है, जैसे कि गेमिंग के ऑप्टिमाइजेशन के लिए गेम स्पेस भी देखने को मिल जाती है और भी कई सारे फीचर्स मिल जाएंगे, लेकिन स्टॉक एंड्रॉयड जैसा एक्सपीरियंस यहाँ पर नहीं मिलता है। Oppo Reno 5 में बैटरी की बात करें तो 4310 mAh की बैटरी मिल जाती है, जो एवरेज यूज़ पे 1 से 1.5 दिन आराम से चलेगी। ऑन स्क्रीन टाइम भी ज़्यादा मिल जाता है और बैटरी को चार्ज करने के लिए 30W का Whoop 4.0 चार्जर मिल जाता है, जो करीब 56 मिनट में ही बैटरी को 0 to 100% चार्ज कर देता है, जो अच्छी बात कह सकते हैं इस फ़ोन की।
ओप्पो रिनो 5 की प्राइस की बात करें तो यूरोप में 250 यूरोज रखी गई है, जो इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो करीब 22,000 तक होती है। कंक्लूजन पे आए तो गुड इन डिज़ाइन, डिस्प्ले भी अच्छी है, परफॉर्मेंस भी अच्छा मिल जाएगा, फास्ट चार्जिंग भी मिल जाता है, लेकिन नो फास्ट रिफ्रेश रेट, नो अपडेट, चीप सेट, मटेरियल में भी कॉस्ट कटिंग की गई है और प्राइस भी मुझे हाई लग रही है। राइट के बारे में कौन सा फीचर आपको अच्छा लगा और कौन सी प्राइस रेंज में इंडिया में लॉन्च होना चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताएं। तो वैसे ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अपडेट सबसे पहले देखने के लिए और अगला गिव अवे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को दबाकर ऑल कर दीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट ऑसम टेक अपडेट की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके जैसे हम नया वीडियो अपलोड करते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले लेटेस्ट टेक अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड कीप स्माइलिंग।